बताऊं, आज के जो मेहमान आ रहे हैं उनकी खास बात यह है कि उन्होंने कोई 50 साल पहले मेरा मर्डर किया था। क्या, किस तरह? देखा, खामोशी छा गई, लोग एकदम। नहीं अभी नहीं बताना, और नहीं बताओ, अभी नहीं बताओ हम किसको बुला रहे हैं। और उसके बाद मैंने भूत बनके उनका पीछा किया। हमारे जबरदस्त खूबसूरत एवरग्रीन अदाकार दोस्त यार महमूद असलम साहब। महमूद साहब, मुझे आज आप दोनों के घर में आके बड़ी खुशी हुई है। अच्छा लगा, माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप किया आप दोनों ने। थैंक यू, शुक्रिया। तो अभी आपको हम थोड़ी देर में आपसे गपशप हो जाए, फिर इस तरफ भी ले जाएंगे किचन में। चले भाई, तो आप मर्जी ले जाए, इस मर्जी कॉर्नर में ले जाए, कोई मसला नहीं है। कैसे हैं आप दोनों? मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं, आपको कैसा लगता है कि जब आप उन लड़कों के पापा बनते हैं जो आपसे सिर्फ 3-4 साल छोटे होते हैं? यार देखिए, अभी पिछले दिनों मुझे नुमान इजाज के पापा बना रहे थे, इनकार कर देता। मैं कह नहीं भाई, इनकार कर दिया। हाँ हाँ, मैंने कहा वो तो ऑलमोस्ट मेरे जितना है यार, उसको मेरा बेटा बना रहे हैं। नुमान इजाज के पापा? यार यार कैसी बात है नादिया, या प्लीज स्टैंड ले। एक महमूद साहब, एक ट्रेंड चला है, मैं भी अक्सर कोई मुझे अभी रोल ऑफर होता है तो वो भाई तो मैं बन सकता हूँ, लेकिन वो कहते नहीं। आपका तो बनता है, आप तो माशाल्लाह पापा लगता है। मेरा तो अभी नहीं बनता ना यार। नहीं सही कह रहे हैं, मैं वो रोल ले लेता हूँ, इजाज़ पे सूट कर जाता है भाई। आप माशाल्लाह, आप नहीं, अभी अभी क्या कह रहे थे, मैं तो बड़ा एक्टर, मैं तो तुम्हारा अब्बा भी बन जाऊं ड्रामे पे। एक भूल गए क्या, बताओ रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर पहले क्या कहते नादिया, मैं तो मुझे रोल तुम्हारा अब्बा भी बन जाऊं, कैरेक्टर और अब बनेगा ऐसा ड्रामा इंशाल्लाह, इजाजत से मेरे पापा। काम के लिए तो ये कुछ भी रोल अच्छा। लेकिन मेरे कुछ असूल है महमूद साहब, मेरे असूल है, बड़े बच्चों की मानी बनूंगी, बहुत बड़े बच्चे जो मतलब मेरे आसपास की उम्र के हों, बहुत अच्छा। तो आप ना कर देते हैं, इसके अलावा कोई ऐसी और फनी ऑफर? ऑफर्स तो बहुत सी मिलती है मुझे, बहुत से सिटकॉम की मिली ऑफर, लेकिन वो जब तक एक मेरा वो चल रहा है, पता नहीं अब मैंने सिग्नेचर है लेना, बिल्कुल ले सकता हूँ, ले सकता हूँ। तो जब तक मेरा बुलबुले चल रहा है तो तब तक मैं कोई और सिटकॉम मैंने मना किया। ये आपका बड़ा अच्छा डिसीजन, आपने मना किया या ये चैनल? नहीं, मुझे ऑफर्स आती, अब तो खैर चैनल्स पे आ ही नहीं रहा ना। लाइट कोई चीज आप देखिए किसी चैनल पे सवाए बुलबुले के, तो किसी चैनल पे कुछ है ही नहीं है। बुलबुले पाबंदी लग गई है कि आपने हंसाना नहीं है लोगों को, रुलाएं डराएं भगाएं, लेकिन आपने हंसाना नहीं है। अच्छा नादिया, इसमें एक चीज और भी है, महमूद साहब शायद मुझसे एग्री करें कि जो हमारे बहुत सारे यंग एक्टर्स हैं वो करना भी नहीं चाहते कॉमेडी, somehow I don't know why, मेरी जान, बहुत कम लोग हैं। उसका रीजन ये है कि टाइमिंग नहीं है कॉमेडी के लिए, यू नीड टाइमिंग। अब देखिए ना, यंग एक्टर तो करना चाह रहे हैं। हाँ ना, तो देखो ना यंग जोड़ी कितनी अच्छी लगे, कितने यंग लोग, हम हीरोइन, किसने कहा कि यंग लोग नहीं करना चाह रहे, लेकिन जो बिग लोग हैं वो नहीं ड्रामा बना रहे। पूरी दुनिया में 40 के बाद हीरो हीरोइंस बनते हैं यार, मतलब यार हमारे ना छोटे छोटे बच्चे आ गए हैं, बहुत से बेचारे, मुझे समटाइम अफसोस होता है, मैं उनकी शक्ल देखता हूँ, वो सतमाए बच्चे लगते हैं अल्लाह की कसम, बेचारियों को ना खड़े होने का तरीका है ना कुछ है, लेकिन वो ये है कि हमने छोटी छोटी बच्चियों को ना, उनको हमने हीरो हीरोइन बना दिया। देखिए रमजान स्पेशल शो लाइफ ग्रीन है आज शाम 5 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।